everyone, I am Shruti Suman, a second year MBBS student at TRIMS Ranchi. So in this video, I will be talking about how to revise fast. So every competitive exams needs an active recalling. आपको हर चीजें याद होनी चाहिए. आपके पास एक टाइम लिमिट होती है जिसमें ही आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं. इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा कि आप सोचो, फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर टिक करो, ओवर फिल करो, तब तक आपकी टाइमिंग ही खत्म हो जाएगी. इसीलिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए. जिसके मार्क्स अभी 300 to 400 भी आ रहे हैं ना, या 200 है, वो लोग भी अपने मार्क्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं रिवीजन के मेथड से. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिवीजन करना कैसे है. जब मैंने फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ाई की थी तो मेरे को 4 से 6 घंटे लगे थे क्वेश्चन लगाने में, और जब मैं फिर से जाती हूँ रिवाइज करने तो मेरे को फिर से 4 से 6 घंटे ही लगते हैं. तो ऐसे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, और एक दिन में 3 सब्जेक्ट को मैनेज करना वो भी बहुत मुश्किल है. 2 सब्जेक्ट ही हो पाती है, 1 सब्जेक्ट रह जाती है, या फिर कुछ लोगों के 1 ही सब्जेक्ट हो पाती है, 2 सब्जेक्ट रह जाती है. तो अभी तो बहुत ज़्यादा कम टाइम बचे हैं, 2 महीने ही बचे हैं, और आपको एटलीस्ट 2-3 बार पूरे सिलेबस को रिवाइज करना ही होगा, तभी मार्क्स इंक्रीज होंगे आपके. इसके बाद क्या है, कुछ लोग कंपेयर करने लगते हैं कि मैंने तो बस मॉड्यूल ही लगाया है, मेरे फ्रेंड्स ने तो अलग अलग टाइप की बुक्स लगा रहे हैं, PYQ लगा रहे हैं, फिर अलग अलग पब्लिकेशंस के बुक लगा रहे हैं, तो उनकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बट मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मैं तो लगा ही नहीं रहा हूँ. तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. आपको कंपेयर नहीं करना है किसी से भी अपने आप को. आपको कंपेरिजन आपकी खुद के मार्क्स से करना है. जैसे कि अगर आपके इस टेस्ट में 350 लगभग ऑलमोस्ट आए हैं, तो आपको नेक्स्ट टेस्ट में इससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं. वो कंपेयर किसी से भी नहीं करना है, क्योंकि आपकी स्टडी पैटर्न अलग है, आपकी स्लीपिंग पैटर्न अलग है. आप कैसे पढ़ते हो, आप कैसे रिवाइज करते हो, आप कैसे चीज़ों को रिटेन करते हो, कैसे चीज़ों को रिकॉल करते हो, वो सारी चीज़ें ही अलग है. फर्स्ट पॉइंट है, रिवीजन आपको स्टार्ट कैसे करनी है. तो रिवीजन आपको आपके नोट्स से स्टार्ट करनी है. जो भी आपकी कोचिंग वगैरह में, या फिर जब आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करते थे, तो नोट्स बनाई जाती थी बायोलॉजी में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो भी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करवाए जाते थे, तो वो आपको अपने नोटबुक से रिवाइज करनी है. नोटबुक रिवाइज करने के बाद आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो मॉड्यूल में जितने भी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी आपको सॉल्व नहीं करने हैं. जो भी उस वक्त जब आप फर्स्ट टाइम सॉल्व किए होंगे, तो आपने कुछ मार्क कर रखा होगा जो कि टफ क्वेश्चन होंगे और आपसे एक बारी में सॉल्व नहीं हुए होंगे. तो आपको स्टार्ट उन क्वेश्चन से करना है. जो पहली बारी में सॉल्व हो गए होंगे, वो क्वेश्चन आपको बार बार नहीं करना है, क्योंकि वो इजी क्वेश्चंस होते हैं. आप जितनी बार भी लगाओगे ना, वो लग जाएंगे. सेकंड है, आपको टाइम लिमिट के साथ क्वेश्चंस लगाना है. ये नहीं कि क्वेश्चन लेकर बैठ गए हैं, मॉड्यूल लेकर बैठ गए हैं और क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, पूरे दिन भर में क्वेश्चन ही लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है. आप एक एटलीस्ट 60 to 70 क्वेश्चन का सेट लो, और टाइम लिमिट ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट स्टार्टिंग में रखो. जितने भी क्वेश्चन लग रहे हैं, डिमोटिवेट नहीं होना है. स्टार्टिंग में तो कम क्वेश्चन ही लगेंगे, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपकी टाइम लिमिट भी कम हो जाएगी और ज्यादा क्वेश्चंस भी लगने लगेंगे उसी टाइम लिमिट में. थर्ड पॉइंट क्या है कि आपने तो अभी तक सिलेबस को रिवाइज किया ही नहीं है, और आपकी कोचिंग में टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं. तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि कोचिंग वाले जो टेस्ट लेते हैं, उसमें पार्ट वाइज सिलेबस पूछते हैं, जिसमें 11th की 3 पार्ट कर देते हैं या फिर 4 पार्ट, उस पे से क्वेश्चन आते हैं, फिर 12th के ऐसे ही लेते हैं. तो आप उन टेस्ट को ना, कुछ टेस्ट को, सभी को नहीं, स्किप कर सकते हो. एक टाइम टेबल बना लो कि उस टाइम टेबल तक एटलीस्ट एक बार मेरी सिलेबस रिवाइज हो जाएगी, उसके बाद मैं टेस्ट स्टार्ट करूंगी. उस ड्यूरेशन में आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. आपको पूरे पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़नी है. जैसे मॉड्यूल वगैरह हैं, तो वो आपकी पूरी पूरी नहीं पढ़नी है. आपको बस नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाना है टाइमर के साथ. फोर्थ पॉइंट क्या है, आपको चीज़ों को हाईलाइट करनी है. ठीक है, जैसे कि आप ये स्टिकी नोट्स हो गया, या फिर छोटे साइज में भी आते हैं, हाईलाइटर्स हो गई, इन चीज़ों का यूज़ करना है. कैसे यूज़ करना है, जैसे कि मैंने पहले भी अपने बायोलॉजी वाली वीडियो में बताई थी कि मैंने सारे एग्जांपल्स स्टिकी नोट में लगाकर चैप्टर के स्टार्टिंग में लगा दी थी. तो जब मेरे पास टाइम नहीं होती थी ना, तो मैं बस इन स्टिकी नोट्स को देखकर चली जाती थी. जो भी एग्जांपल्स वगैरह होते थे, मैं देखकर चली जाती थी. मेरे को पूरी चैप्टर नहीं पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि हर बारी टेस्ट के पहले वो पॉसिबल नहीं हो पाती कि आप पूरे चैप्टर्स को पढ़ लो. आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़कर चले जाओगे ना, तो क्वेश्चंस लग जाएंगे उससे, क्योंकि पूरे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है, उन्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से ही आते हैं क्वेश्चन. आप स्टिकी नोट्स की भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप फार्मूला शीट भी बना सकते हो, जिसमें कि एक शीट में पूरे चैप्टर के सारे फार्मूले और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं. तो अगर आपके पास टेस्ट के पहले टाइम नहीं है, तो आप उन फार्मूलों को भी देखकर चले जाओगे ना, तो आपके क्वेश्चन लग जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं. फिफ्थ पॉइंट है, आपको एक्टिव रिकॉलिंग करनी है.
आपको एक रफ कॉपी ले लेनी है, उस पर एक चैप्टर का जो भी आप रिवाइज कर रहे हो उसके सारे हेडिंग्स लिखने हैं, या फिर अगर आपको हेडिंग्स याद नहीं है तो आप हेडिंग्स देख सकते हो, उसके अंदर में जितनी भी चीज़ें हैं, मटेरियल हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स वगैरह हो गए, तो आपको उस कॉपी में लिखनी है। ऐसे ना क्या होगी कि जो भी चीज़ें आपको याद है आपको पता लग जाएंगी, और जो चीज़ें नहीं याद है, जो आप नहीं लिख पा रहे हो, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। 6th पॉइंट है, आपको अभी डेली टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको अभी रिवाइज करनी है, आपको ये रिविजन पे ज़्यादा फोकस होने चाहिए। अभी आप संडे, एवरी संडे को टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया है ना, तो अल्टीमेटली आपके टेस्ट में मार्क्स कम ही आएंगे, और फिर आप डीमोटिवेट हो गए, और फिर लगेगा कि अब तो नीट क्रैक हो ही नहीं सकता, इतने कम टाइम बची है। जब आपकी 2-3 बार सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए ना रिविजन, तब आप एंड के अप्रैल के एंड के महीने में आफ्टर 15th अप्रैल आप डेली टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि तब तक आपकी सिलेबस 2-3 बार कंप्लीट हो गई होगी आपकी रिवीजन। एट द एंड मैं यही बोलूंगी कि आप जितने भी क्वेश्चन लगा रहे हो आपको टाइम लिमिट में ही क्वेश्चन लगाना है, नहीं तो क्या होगा ना, पूरा पूरा दिन चला जाएगा और आपके क्वेश्चन बहुत कम लगे होंगे। और अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो उन टेस्ट को आपको एनालाइज करनी है, एनसीईआरटी लेकर बैठो या फिर आपकी नोटबुक लेकर बैठो, जो भी जिसमें भी आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं क्लास वाले, कौन से क्वेश्चन आपके नहीं लग रहे हैं, कहाँ पे वो चीज़ें एनसीईआरटी में, उनको हाईलाइट कर लो उसी वक्त। तो क्या होगा ना, जब आप सेकेंड या थर्ड टाइम रिवाइज करोगे तो आपको पता चल जाएंगे ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी की ही हैं, ये चीज़ें मैंने पहले भी बता रखी हैं, और इसलिए मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि लोग भूल जाते हैं। तो डेली के टारगेट्स बनाओ और पूरे सिलेबस को रिवाइज अच्छे से करो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके छूटे ना या फिर गलत ना हो नीट में, क्योंकि टारगेट तो हमें 720 ही रखना है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं रिप्लाई कर दूंगी।